आज अब नटोली में एक नया दिन और ये खड़े हमारे जगदीप सर। तो सर आज आप बताओ कि आज क्या चल रहा है अब नटोली में। आज अभी थोड़ी देर में माइग्रेंट फाउंडेशन से आएंगे, बच्चों के लिए खाना जुराब पे और जर्सियां कुछ लड़कियों को देने के लिए आएंगे। उसकी तैयारियां अभी चली हुई है, यहाँ पे संस्था की साफ सफाई चल रही है। चलो चलो चलते हैं ऊपर की साइड और ये कर रहे हैं बच्चे साफ सफाई। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे तो कुछ बच्चे देख रहे हैं टीवी। ओके चलो सुबह सुबह चिल कर रहे हैं भाई। काजल दीदी जी आप क्या कर रहे हैं? हम तिलक के लिए थाली सजा रहे हैं। ओ भाई अभी बच्चों को बिठाया जा रहा है लाइन में सर के द्वारा। तो सारे बच्चे लाइन में बिठाए जा रहे हैं, फिर इनको खाना परोसा जाएगा। तो भाई कुछ बच्चे यहाँ पे बैठ गए क्योंकि उधर जगह कम पड़ेगी थी। मैम आ चुकी हैं। ये अजय गर्ग जी हैं, पत्रकार हैं। जी 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 कैसे हो? दोस्त विक्ता जी जो यहाँ बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं। ये ब्रीफ करेगा मैम थोड़ा जो काम करते हैं यहाँ ये बच्चों के उसमें। ये जो नगर निगम है उसके साथ मिलके ना ट्रिपल आर के नाम से वो सेंटर किया था, रिड्यूस रिसाइकल रीयूज। जैसे पुरानी बोतलें हैं उनको इस तरीके से कलर करते हैं बच्चे अपने, जो ये वो बना रखे हैं बेड हैं लड्डू गोपाल जी के बेड हैं। अच्छा ये आप बेचते हैं? हाँ जी, एग्जीबिशन वगैरह जो मिलती है ना उसमें स्टोर लगा देते हैं। ये बच्चों के तैयार किए हुए सारे, ये जैसे मंदिर बना रखा है इन्होंने, ये पेपर मैसी का काम है सारा, जो कागज की लुगदी होती है ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। गरम और ये जो कपड़ा बच जाता है बिल्कुल बेकार फिर उनके पायदान बनाते हैं वो बड़े बैग, बड़े बैग जैसे पुरानी चादर आ जाती है तो उनको बेटा वो किट में दिखाना, ये बड़े बैग उनके बना देते हैं। ये एयर बैंड वो वाले रिच गांधी वो वाले प्रिंटेड वाले, हाँ वो भी दिखा। ये बैग इन्होंने ये ऐसे छोटे छोटे बैग वगैरह सिखा देती हूँ इनको ना, ये काम एग्जीबिशन में निकल भी जाते हैं ये चीजें। ये साड़ी से लहंगे वगैरह भी, ये पुरानी साड़ियों से लहंगे बना रखे हैं मैम। ये तो नए कपड़े से जैसे वो साड़ी का है, बच्चे खुद भी पहन लेते हैं खुद के फंक्शन में तैयार करके। ये इन्होंने रेडीमेड ड्रेस तैयार कर रखी है मैम, 12 दामन और 25 चुनिया, मतलब खुद की इन्होंने तैयार कर रखी है और उस पर डांस करते हैं बच्चे। फिर रेडीमेड ड्रेस जैसे दामन इन्होंने खुद ने इसके नीचे वो लगाने बची हुई है, ये दामन इन्होंने खुद ने ही सिला है। पोटली दिखाओ बेटा नीचे से उठा के, ये हमारी पोटलियां बहुत गई हैं बाहर तक भी चली गई हमारी। ये जैसे डीडी कोर का कपड़ा है मैम वो आप नया कपड़ा लेते हैं? हाँ ये नहीं। वो कैटलॉग होता है, सैंपल पेपर होता है ना, सैंपल कैटलॉग वो हर साल नया आता है वो फेंक देते हैं। फिर अब की बार उनसे हमने ले लिया था क्योंकि वो फिर ये सारी पैच के अंदर काम आ जाती है, ये डिफरेंट डिफरेंट काफी बहुत सारी हैं, मतलब ये तो काफी हमारी निकलती भी है। हम आपको साइज दें तो आप हमें, हाँ जी हाँ जी जी जी, एक सैंपल भेज दें और साइज अपना जी तो उसकी हम जैसे 25-30 बनवा लेंगे। ये कुछ आठ वाली उधर रखिए साइड वाली, लगभग 20-25 बच्चे सीखते हैं हर दिन यहाँ। यही एक दिक्कत है हमारी की रेंटेड जगह, बाकी तो सामान तो आ जाता है। जॉब कर रही हैं कुछ इधर उधर सीख करके, कुछ लोग बीच बीच में मदद करते रहते हैं उस तरीके से।
मतलब बड़े बच्चे छोटों को पढ़ाते हैं और फिर बड़े बच्चे कंप्यूटर पे क्लासेज ऑनलाइन वगैरह पढ़ते हैं बैठ के। मतलब स्कूल में तो जाते हैं सारे, स्कूल जाते हैं, उसके बाद जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको एक साल तक ट्रेंड करते हैं स्कूल तक जाने के लिए और स्कूलों में एडमिशन करवा देते हैं। फिर यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ाई तो है ही है, उसके साथ साथ ये है कि बच्चे इंटरेस्ट कैसे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट है उनके साथ काम कर रहे हैं। और बड़ी मैडम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन, जो माइक्रोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, बड़े साहब हैं उनमें से बार बार आपको खाना भेजते हैं, आपको गर्म कपड़े भेजते हैं, आपको कभी स्वीट भेजते हैं, मिठाइयाँ भेजते हैं, बीच में आते हैं ना सबको, तो पूरा ध्यान रखते हैं मैम। और वो छोटी मैडम है वो है, तो वो उनकी भी पूरी कमांड रहती है, पूरा ख्याल रखते हैं वो सब, वो ही बताते रहते हैं कि भी बच्चों को क्या क्या देना है। ठीक है, तो शहर में तालियां हो जाए एक बार मैम की तरफ से। आज भी गर्म गर्म खाना खाएंगे, ठीक है, और मिठाइयाँ खाएंगे, और तुम्हारे को सबको जो है गर्म सॉक्स और अपर बड़ी लड़कियां उनको अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, खुश हो सब? यस सर। पक्का? यस सर। तो माइक्रोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को जानते हो? यस सर। तो मैम जहाँ जाएंगे पहचान लोगे? यस सर। हाँ, पक्का? यस। एक बार फिर तालियां। लड्डू भी दे रहे हैं बटवाओ खाना लक्ष्मी चंद में अपने 15 बच्चों की आवाजें थी मैम, जो नेशनल अवार्ड जीती है फिल्म। अच्छा। हाँ, और फिल्म इंस्टीट्यूट है यहाँ रोहतक में, इसके 45 से ज्यादा एक्टिंग के प्रोजेक्ट कर चुके हैं बच्चे। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, मार्ट कैमरे तो ऐसे 4 भी चले गए हैं, हर कमरे में कैमरे के वो करवा लिए सबके, लोअर और टी शर्ट भी। ठीक है, ट्रैक सूट पूरा। तो सारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैं खड़ी खड़ी टीवी देख रही हूँ। सारे वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं आप अलग से हो? नहीं। फिर काम नहीं कर सकते? मेरे को अभी किसी ने काम ही नहीं दिया।